नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10 की ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को डिटेल में समझेंगे। तो ये चैप्टर सीबीएसई एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, फिर लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस के जैसे बीपीएससी यूपीपीएससीएस, इन सब एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, उतना टफ नहीं है। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे तो वह है बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर फॉरेस्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट राइनो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जिसमें हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ठीक है एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जिसमें हम लोग ज्वाइंट फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं नए एनसीईआरटी बुक से, जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अन्य बच्चे हैं जो अन्य सब्जेक्ट्स के लिए या ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हैं हायर क्लास में जाके या फिर कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा इंक्लूडेड है। तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा है आपको वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, बायो प्लस डाइवर्सिटी ठीक है। तो बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स हो गया एल्गी हो गया फंजाई हो गया उसमें एनिमल्स में बहुत सारे मैमल्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स इंसेक्ट सब कुछ आ जाता है। साथ ही साथ में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको अभी कंफर्म नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ठीक है। फिर साथ ही साथ में ईस्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे फंजाई है जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं, प्लांकटोन्स हो गए फाइटोप्लांकटोन्स, वो सब कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उनमें जान ठीक है लिविंग थिंग्स है, तो वो है होता है बायो ठीक है। और डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स या वैरायटीज ठीक है। तो आसान शब्द में बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन ए स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन में जितने भी नंबर और टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि इंडिया को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे भी है, साथ ही साथ में हम लोग एनिमल्स एम्फीबियंस इन सब के बारे में डाइवर्सिटी जो है इंडिया में बहुत अच्छी है, तो इसीलिए हम लोग इंडिया को एक रिच बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री कहा जाता है। इट रिफर्स टू द वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द जीन्स दे कंटेन, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है। हर ऑर्गेनिजम्स हर वैरायटी ऑफ स्पीसीज में अलग अलग जीन्स होते हैं ठीक है, ह्यूमन बींग्स में अलग है, एप्स में अलग है, बंदरों में अलग है, और 99% ऑफ द जीन्स तो सेम है लेकिन कुछ परसेंटेज जो है वो अलग है, इसीलिए हम लोग थोड़े बहुत मिलते जुलते भी है और थोड़े बहुत अलग अलग भी है ठीक है। तो इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ये सब जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल साइंसेस में ज्यादा पढ़ाया जाता है, इसमें ज्योग्राफी में उतना डिटेल में नहीं जाना इसीलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म ठीक है, इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम मींस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड गिवन एरिया। मतलब बायोटिक फैक्टर क्या हो गया, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, नॉन बायोटिक फैक्टर क्या हो गया,
नॉन बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि रॉक्स हो गया, एयर, वाटर, लाइट, ये सब नॉन बायोटिक है जिसमें जान नहीं है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन होता है एक स्पेसिफाइड जोन में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स जितने भी आ जाते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल्स जितने भी हम उसको क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, ऑब्वियसली आपको पता होगी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वॉटर वी ड्रिंक, द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस अवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ये बहुत ज्यादा हम लोग डायरेक्टली, शायद बहुत लोगों को लगेगा कि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है इन सब क्रिएचर्स पे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेट सपोज मान लेते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बी हो गया, मॉथ हो गया, ये सब बहुत लोगों को लगता है कि ये सब कीड़े मकोड़े को रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बहुत लोग मार भी देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े के कारण ही पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पॉलिनेशन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होता है, अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा तो खाएंगे क्या हम लोग। तो सबका, जितने भी अलग अलग क्रिएचर्स है, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी है, सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर रिच होती है, जैसे कि एक पॉल्यूशन फ्री एटमोसफियर में आपको बहुत सारे अलग अलग जानवर, कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, लेकिन जिधर में पॉल्यूशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हेवी पॉल्यूशन होता है, वहां पर आपको कोई कीड़े मकोड़े या कोई भी लिविंग क्रिएचर्स बहुत कम मात्रा में दिखेंगे, डायवर्सिटी बहुत कम दिखेगी। क्योंकि क्यों, वो पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन का एनवायरमेंट में वो सस्टेन ही नहीं कर पाते अपने लाइफ को, है ना। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस सबसे, जितने भी हम लोग एयर वी ब्रीथ करते, जैसे एयर ऑक्सीजन कौन बनाते हैं, तो वो मेनली जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, साइनो बैक्टीरियाज, ये सब प्लांट्स होते हैं, ये सब एयर ऑक्सीजन बनाते हैं। वाटर वी ड्रिंक, इसमें भी फॉरेस्ट का, प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉइल को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस में पढ़े हैं ज्योग्राफी का, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था सॉइल किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकंड क्या है, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन व्हिच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो ये प्लांट्स जितने भी, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, बैक्टीरियाज, ये सब क्या है, प्लांट्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। इनके बिना हम लोग लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये भी दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स तो होता ही है, साथ साथ में हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसको कहते हैं, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं, तो उसी तरह से जितने भी फॉरेस्ट एरिया होता है वो हमारे लंग्स, फेफड़ा का काम करता है। ठीक है, वो हमें हमारे जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्रिएट करते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, और बदले में हम लोग को क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक हेल्दी फॉरेस्ट उसे कहेंगे ना जिसमें सब अलग अलग टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हो। अब ऐसा तो नहीं है कि चाय के जो बगान होते हैं, जहाँ टी प्लांटेशन होते हैं, उसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं, वो फॉरेस्ट नहीं होता है, वो एक टाइप ऑफ प्लांटेशन है, जैसे रबर प्लांटेशन होता है, उसको हम लोग फॉरेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ प्लांट ग्रो हो रहा है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांटेशन और एग्रीकल्चर, ये आपको समझना होगा, कि हरियाली देखकर ये मतलब नहीं है कि वो भी फॉरेस्ट है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए ये तीसरी पॉइंट थी, और साथ ही साथ में फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP। ठीक है, जैसे सूखी लकड़ियां हो गई, कुछ जो जड़ी बूटियां, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, जिससे बहुत सारे मेडिसिन्स बनते हैं, फिर और भी फूड प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, वो सब कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। साथ ही साथ में मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, और बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी हम लोग को फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, अगर
क्वेश्चंस में आ जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, तो आपको इसे इस तरह से पॉइंट्स वाइज लिखना है। फिर फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, दिस आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये मैंने बता दिया, ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। ठीक है, इट सपोर्ट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स जितने भी प्लांट्स आ गए, और फौना मीन्स एनिमल्स विच आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट प्रोवाइड्स अस फ्रूट फ्लावर्स मेडिसिन वुड्स। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ये सब चीज जो है वो क्लास 6-7 में भी ये सब पढ़े होंगे, फॉरेस्ट का रोल क्या है। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो एक्सक्लूड किया गया है इन सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया नए बुक से, लेकिन मैं तो भी इसको इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों इसको एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN, वी कैन क्लासिफाई स्पीसीज, हम लोग स्पीसीज को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली इसलिए एक्सक्लूड किया गया क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम लोग एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ में कुछ बायो में भी कुछ हिस्सा आ जाता है, तो शायद बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जा रहा था ये सेगमेंट, इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन हम लोग इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ लेंगे, तो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। बहुत जल्दी से इसको समझा देते हैं। नॉर्मल स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल्स, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्विंडल नहीं कर रही है, कम नहीं हो रही है, जैसे कि कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, इन सब की पॉपुलेशन बहुत हद तक मेंटेन है, जिसको हम लोग कहते हैं किसी टाइप का हार्म नहीं है। ठीक है, जैसे गाय भैंस हो गई या बकरी हो गई, इनका स्पीसीज लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल स्पीसीज, उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। फिर दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो दी स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वैसे स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है, मतलब अगर उसको हम लोग प्रोटेक्ट ना करें तो वो एक्सटिंक्ट की कगार पर चल जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे स्पीसीज को हम लोग एंडेंजर स्पीसीज कहते हैं, और दो तीन एग्जाम्पल हमेशा याद रखना होता है जो भी स्पीसीज होता है। तो एंडेंजर्ड में जैसे आ जाता है ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरन, जिसको सलमान खान ने मारा था, वो केस मारा था नहीं मारा था वो डिबेटेबल टॉपिक है। ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड लैस, इंडियन राइनो, लायन टेल मकाक, सांगाई, ये सब जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, तो दो तीन एग्जांपल तो आपको एटलीस्ट याद रखने ही होंगे। फिर वल्नरेबल स्पीसीज कौन से होते हैं, दीस आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू द लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। तो अगर वल्नरेबल स्पीसीज वैसे होते हैं कि अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो वो एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ जाएंगे, और एंडेंजर्ड आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, आपको इस तरह से समझना होगा। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, जैसे कि वल्नरेबल स्पीसीज कौन से हैं, ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट जो हाथी होते हैं, इंडियन एलिफेंट जो, या गैंजेटिक डॉल्फिन जो, ये सब क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रेयर स्पीसीज बहुत बार मैचिंग के लिए भी कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेयर स्पीसीज स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग दे कंटिन्यू टू ऑपरेट। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक टाइप ऑफ बर्ड है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रेयर स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, फिर एंडेमिक स्पीसीज, तो एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एक सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा, उस रीजन के अलावा, उस ज्योग्राफिक रीजन के अलावा नहीं मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि एग्जाम्पल है एंडमन टील, तो ये एक टाइप ऑफ बर्ड है, निकोबार पिजियन, ये भी एक बर्ड ही है, एंडमन वाइल्ड पिक, ठीक है, मिथुन, तो ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, ये मिथुन एक जंगली भैंसा होता है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, और ये उनका स्टेट एनिमल भी है, मिथुन फॉर अरुणाचल प्रदेश, हर स्टेट का एक स्पेसिफिक एनिमल होता है, ब्लड बर्ड होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, तो हर स्टेट का अलग अलग होता है वो, तो ये सब एंडेमिक स्पीसीज है, वो
एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मिथुन हो गया, वो आपको दिल्ली में तो नहीं मिलेगा, राजस्थान में तो नहीं मिलेगा, वो ऑब्वियसली नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें ही मिलता है। फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दोस मतलब जो विलुप्त हो गए, जो मिलते नहीं। अब एक्सटिंक्ट में भी दो टाइप होते हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है जो वाइल्ड लाइफ में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, बट जिनको हम लोग प्रोटेक्ट करके एक कैप्टिवेटेड एरिया, जैसे जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, इसमें हम लोग कैप्चर करके रखे हुए हैं, उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखे हुए हैं, तो तब हम लोग कह सकते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट प्रोटेक्टेड इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसको दो टाइप ऑफ होते हैं, एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो बिल्कुल ही खत्म हो गया, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, जैसे डोडो हो गया, एक बर्ड थी। फिर एशियाटिक चीता, अब इसको एक्सटिंक्ट नहीं कहा जाएगा क्योंकि इंडिया में नाम्बिया से, साउथ अफ्रीका से कुछ चीता मंगवाया गया है, और साथ ही साथ में जो चीता है, एशियाटिक चीता, वो ईरान में प्रेजेंट है एटलीस्ट, और बाकी तो मोस्ट ऑफ द चीता जो है वो आपको साउथ अफ्रीका में मतलब अफ्रीका में मिलता है। फिर पिंक हेडेड डग, ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे आईयूसीएन, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन जितने भी स्पीसीज होते हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हटा दिया गया था, सीबीएसई ने हटा दिया इन द न्यू एनसीईआरटी बुक। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना? तो फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीट होने का बहुत सारे कारण हैं, तो मैं उन कारणों को बता देता हूँ, जैसे कि हैबिटेट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन। जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट के अंदर हाईवेज बना दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उनका जो फ्रैगमेंटेशन हो जा रहा है, फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट एरिया, अगर इसमें हम लोग एक हाईवे बना देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, फॉरेस्ट दो भाग में बढ़ जा रहा है, तो इससे क्या हो जा रहा है, लिविंग क्रिएचर्स का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, एनिमल्स का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम लोग माइनिंग कर दे रहे हैं, तो माइनिंग भी एक कॉज होता है, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग करना। फिर और कौन कौन से, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये तो बहुत क्लासिक है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फिर इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज कौन से होते हैं, जो बाहर से आए गए स्पीसीज, एक तो होते हैं इंडिजिनस स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, दूसरा जो होता है इन्वेसिव स्पीसीज जो अन्य कहीं से पाया गया, जैसे इसमें बहुत सारा है, जैसे लेंटेना कमारा, लेंटाना कमारा एक प्लांट स्पीसीज है जो बहुत इन्वेसिव है, उसी तरह से प्रोसोफिस जूली फ्लोरा, ठीक है, ये भी बहुत सारा, ये सब जो स्पीसीज है ये इन्वेसिव स्पीसीज के एग्जांपल है। ठीक है, इस ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है फ्लोरा एंड फौना का जो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं इस टॉपिक को डिटेल में नहीं समझाया, लेकिन ये सब पॉइंट्स हैं, आपको रिमेम्बर होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि हमें जरूरत क्यों है कंजर्वेशन करने का। ठीक है, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डायवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, और ये सब क्या है, इनके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, वाटर, एयर के बिना, और वाटर के बिना भले आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन पानी और ऑक्सीजन के बिना तो आप एक घंटा भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। तो जो जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स वेराइटीज में अलग अलग जेनेटिक कंटेंट होता है, तो वो प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, और जितना डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, तो जितना डाइवर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उतना ब्रीडिंग अच्छा होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो कम होने लगेगा। ठीक है, फिर ये दूसरा
पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस एंड एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिशरीज भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो एक्वा कल्चर पीसी कल्चर जो भी होता है, वो हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर वाटर जो है, कोई भी वाटर बॉडी अगर हेल्दी होगा तभी उसमें फिशरीज या अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स ग्रो करेंगे, और अगर इनकी ही वाटर बॉडी अगर डिग्रेड हो जाए, उनके पॉल्यूशन हो जाए वाटर बॉडी में, तो क्या होगा, जितने भी क्रिएचर्स है वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्यों जरूरत है हमें कंजर्व करने का। अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो खुद हमारी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर कंजर्वेशन के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप बाय द इंडियन गवर्नमेंट लिया गया है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ठीक है, तो इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स क्रिएचर्स जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाई क्रिएटिंग व्हाट, बाई क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सबको बना के हम लोग वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। ठीक है, फिर एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। तो ऑल इंडिया प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, किस किस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए हैं, जैसे मैं बताया एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें किस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने पर ज्यादा एम्फोसिस डालना पड़ेगा, किसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये सब इस लिस्ट में दिया गया होगा। द मेन फोकस वॉज ऑन द प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे कि बाई वट, इसको कैसे किया जा सकता, दिस इज जैसे कि बाई बैनिंग हंटिंग। कॉलोनियल टाइम्स में क्या होता था, हम लोग जितने भी राजा महाराजा या ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो हंटिंग पे जाते थे, शिकार करने जाते थे, उनका एक शौक था, तो उसको बैन कर दिया गया। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, लीगल प्रोटेक्शन मतलब उनको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ, और जो पहले ट्रेडिंग होती थी वाइल्ड लाइफ में, जैसे कि जो हाथी के दांत होते थे आइवोरी, उसको बेच दिया जाता था, जैसे राइनोसेरस के जो वन हॉर्न जो होता था, हॉर्न होता था, उसको भी बेचा जाता था, बहुत सारे एनिमल्स के स्किन को ट्रेड किया जाता था बाय द पोचर्स, वो सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। स्ट्रिक्ट लॉ लेके आया गया कि आप पेड़ नहीं काट सकते विदाउट परमिशन। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया गया। आपको जो फॉरेस्ट का कोर एरिया होता, जो सबसे इनर मोस्ट कोर, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसमें एंटर करने के लिए सबको ऐसे अलाउंस नहीं मिलता कि आप एंटर कर सके कोर एरिया में। ठीक है, फिर सेंटर एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बताया मैंने। नेशनल पार्क जैसे 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स इंडिया में, फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है 18 के करीब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो 500 से भी ज्यादा है इंडिया में। तो वो सब जितने भी है नेशनल पार्क्स, एटलीस्ट नेशनल पार्क्स को हम लोग को याद रखना चाहिए कहाँ कहाँ कौन से प्रेजेंट है, क्योंकि मैपिंग में भी बहुत बार पूछा जाता है, साथ ही साथ में कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है, कौन से स्टेट में है, मानस नेशनल पार्क किस में है, बंदर बांधवगढ़ किस में है। तो ये सब क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स व्हिच आर सीरियसली थ्रेटन्ड, जैसे कि 1970s या उससे पहले क्या होता, चीता जो हो गया, टाइगर्स हो गया, वन हंड राइनोसरस, एलिफेंट, ऐसे स्पीशीज जो वो एंडेंजर्ड हो जा रहे थे, और अगर उस समय स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिया जाता तो एट प्रेजेंट वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग को चीता में देख लीजिए, चीता के लिए हम लोग कोई स्टेप लिए नहीं थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस तक 1948 तक कोई चीता इंडिया में प्रेजेंट था ही नहीं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ छोड़ा ही नहीं था इंडिया के लिए, तो चीता ऑब्वियसली हम लोग प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए हम लोग चीता को फिर से दोबारा रीइंट्रोड्यूस किए हैं कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, ताकि डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो जितने भी बिग कैट्स फैमिली है जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, वो सब हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। अब चीता भी आ गया है तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ये सब स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, फिर आप लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट
एलिफेंट, ये बुक में नहीं दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, साथ ही साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी बहुत स्पीसीज जो है बर्ड है उसकी भी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुई है, फिर वन हॉर्न राइनोसेरस, प्रोजेक्ट राइनो जिसको बोला जाता है, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, ये सब स्पीसीज जो है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप लोग बोल सोच रहे होंगे कि टाइगर को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो टाइगर बेसिकली टाइगर एलिफेंट राइनोसेरस ये सब स्पीसीज जो है ना उसको हम लोग कहा जाता है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब जिस तरह से छतरी हो जाता है, जिस तरह से अम्ब्रेला होता है उसके अंदर में क्या होता है, जो भी कोई भी आदमी अगर उसके अंडर में है तो वो सब प्रोटेक्टेड रहता है बाई बारिश या धूप से। सिमिलरली जो अम्ब्रेला स्पीसीज जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, वो सब जब भी बारिश, ये अगर हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं, तो अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे तो जो फूड चेन है, जो पूरा फॉरेस्ट हैबिटेट है, हम लोग उसको इवेंचुअली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट हो गया अम्ब्रेला स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। अब जो आ गया कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, चाहे वो छोटे से छोटे जानवर हो या बड़े से बड़े, सबको प्रोटेक्ट करना इक्वली जरूरी है, ठीक है। हम लोग किसी एक स्पीसीज पे तो फोकस नहीं कर सकते ना, जैसे हम लोग चीता को लाए तो उसमें कितने करोड़ लग गए, ठीक है। उसके बजाय हम लोग अगर एक फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं तो शायद बेटर होता, क्योंकि उसमें और ज्यादा लिविंग क्रिएचर्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते, वहां पर और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो सकती थी, लेकिन एक डिबेटेबल टॉपिक है, उसमें प्रोज एंड कॉन्स है हर स्टेप्स में ही, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट पे छोड़ देता है, हम लोग बस समझते हैं। फिर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, उस समय में क्या होता था, पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसके कारण क्या हो गया था, प्रोजेक्ट टाइप जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी बहुत डिक्लाइन कर गई थी, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट अप टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दीज टू नेशंस बिकेम द प्राइम टारगेट्स ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा पोचिंग, इलीगल ट्रेडिंग होता था। आपने मूवीज भी बहुत देखी होंगी या फिर आपने जरूर सुना होगा वीरप्पन के बारे में, जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक पोचर था, जो बहुत ज्यादा खूंखार भी था, पुलिस भी इवन डरती थी उसको उसके लिए। तो वैसे बहुत सारे फेमस पोचर्स थे जो टाइगर्स को, एलिफेंट के दांतों को, राइनोसेरस के जो सिंग होते थे उनको पोचिंग करते थे, उनको इलीगली ट्रेड करते थे, तो उनका मर्डर होता था, ठीक है। तो ये सब इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रही थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, लॉन्च्ड इन 1973, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन व्यूड नॉट ओनली इन द एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स एंड साइजेबल मैग्नीट्यूड। और एट प्रेजेंट देख लिया जाए तो वर्ल्ड का जो 70% टाइगर्स है वो कहाँ है, तो वो सिर्फ इंडिया में, ऑलमोस्ट 3000 के अबव टाइगर्स जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क्स में हमको या जू में भी आपको मिल जाएंगे टाइगर्स, ठीक है। तो 70% है, और सिर्फ 12 ही ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनके पास टाइगर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और रशिया, ये सब कुछ कंट्रीज है, ठीक है। तो कुछ नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, नाम याद रख लेते हैं, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया इंडिया का, जिसको हम लोग हेलीज नेशनल पार्क भी कहते हैं, इन उत्तराखंड में प्रेजेंट है, और इसमें मोर देन 400 टाइगर्स आपको मिल जाएंगे। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, सरिस्का कहाँ है राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला, ये सब कुछ टाइगर रिजर्व के एग्जाम्पल है जो आपके बुक्स में दिए गए हैं। आपको और भी अगर वो एटलस बुक है उसमें बहुत सारे सारे टाइगर रिजर्व के आपको लोकेशन मिल जाएंगे, तो आप एटलस से कोलैबोरेट कर लीजिए और एटलस देख लीजिए वहाँ, क्योंकि एग्जाम्स में मैपिंग में भी आएगा और साथ ही साथ में कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि डेसिड्यूअस फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, वो सब नहीं है। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया कौन कौन से हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया में, एंड रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज कंसर्न। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है उसमें पब्लिक का, जो आम पब्लिक है या ट्राइबल्स लोगों को अलाउ किया जाता है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको इजीली, जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया होता है, उसके बाद में बफर जोन होता है, ठीक है। तो जो कोर एरिया होता है उसमें एंट्री अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते हैं कि आप कोर एरियाज में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन मिलती है, अगर रिसर्च वगैरह से आपको जाना है रिसर्च साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, फिर कोर एरिया में आपको जाने नहीं मिलता। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होता है, इजीली आपको हंटिंग के लिए नहीं मिलेगा, या फिर आपको अगर कुछ लकड़ी उकड़ी भी लाना हो तो वो भी अलाउ नहीं किया जाता रिजर्व फॉरेस्ट में। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इंडिया की हाफ ऑफ द टोटल जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट है, वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इसमें भी प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट रूल जो है वो कम हो जाती है, स्ट्रिक्टनेस कम हो जाती है द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें आप एंटर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसमें पिकनिक उकनिक ये सब थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन हार्म नहीं करना है फॉरेस्ट को, ठीक है। तो ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के मामले में थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू रिजर्व फॉरेस्ट, बस यही डिफरेंस है। फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, जो हम लोग क्लासिफाई नहीं किया गया इन टू फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन वो भी अभी तक सही तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया, उसमें इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा कुछ फॉरेस्ट का अभी तक एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है, दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड को मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, ठीक है। तो वहां पर टिम्बर तो निकाला जाता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में निकाला जाता है, और पेड़ों की जो कटाई होती है, क्योंकि पेड़ फर्नीचर्स, तो फर्नीचर हो गया या टिम्बर जो हाउस होल्ड पर्पस में यूज होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वहां पर क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब कुछ देखभाल करती है कि कब फॉरेस्ट को, कब पेड़ को काटना है, किस तरह से अफॉरेस्टेशन करना है, वो सब कुछ फॉरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इसीलिए जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स कहते हैं। फिर एक एडिशनल फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट है, कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। और साथ ही साथ में अगर फॉरेस्ट कवर के रेस्पेक्ट में भी देखा जाए तो एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। तो फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज ऑन द टॉप, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे जो है वो स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो याद नहीं करना, वो जो टॉपिक होता है वो ISFR जो रिपोर्ट आती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें सब कुछ कवर होता है। उसकी भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उसको भी आप देखिएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये आपको बस याद ही करना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ
मैक्सिमम है तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ द गुजरात हैव हाई परसेंटेज ऑफ दिस फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये क्या होता है, ये सब कोई मैनेज किया जाता है बाय द लोकल कम्युनिटीज, जितने भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ में कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में, गुजरात और राजस्थान में, और आपको सदर्न इंडिया में भी, सदर्न जो स्टेट्स हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट का। फिर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का देख लेते हैं कि रोल ऑफ कम्युनिटी इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि कम्युनिटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं क्वेश्चन वाइज ही आपको समझा रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो आपको इस तरह से पॉइंट वाइज लिखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व फॉरेस्ट देयर हैबिटेट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा फेस कर रही है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज में मिलेगा, जैसे कि आपको हाईवे बन रहा है, गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट आ गया हो, या मिनरल्स कुछ मिल गया हो, ऑयल मिल गया हो, तो वहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, माइनिंग हो रही है। फिर साथ ही साथ में जो पोचर्स होते हैं, जो इलीगल माइनिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, वो सब भी क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए जो आम इंसान है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपने फॉरेस्ट को बहुत जगह प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में, कुछ साल पहले तक वहां पर कोई भी टाइगर ही नहीं था, उसका नाम ही था सरिस्का टाइगर रिजर्व, लेकिन वहां पर कोई भी जीरो टाइगर्स थे। जैसे आज के टाइम पे आप पलामू टाइगर रिजर्व चल जाए, वहां पर जीरो टाइगर्स मिलेंगे आपको। पलामू टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में, वहां पर आपको टाइगर ही नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पोचिंग वगैरह होती है, और हैबिटेट जो है, फॉरेस्ट का जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया। अगर आप किसी का घर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली वहां वहां पर नहीं रहेगा, वो दूसरी जगह चल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी, ठीक है, क्योंकि वहां पर माइनिंग वाइनिंग बहुत ज्यादा होता था। विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ये सब होते हैं, अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को डिग्रेड तो करते ही है, साथ ही साथ में जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट लोग हैं, उनका भी बहुत ज्यादा जिंदगी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरोदेव डाकब सोन चुरी। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या किए हैं, जो अलवर के, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में पड़ता है, 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया, उसको खुद से लोकल कम्युनिटीज ने डिक्लेयर कर दिया है भैरवदेव डाकव सेंचुरी, जिसको वो लोग पूजा पाठ भी करते हैं उस सेंचुरी में। फॉरेस्ट को बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जो फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलता है, ये उनका ही रूल्स चलता है। एंड डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इनक्रोचमेंट। और यहाँ पर कोई भी हंटिंग वगैरह या फिर आप घूमने के पर्पस से आप एंटर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी है, जहाँ पर आप लोग इजिली अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि वो सब लोकल कम्युनिटीज के अंडर में होती है। वहां पर वो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनका वो रिलीजियन से एसोसिएट होता है, उनके देवी देवता मानते हैं अपने जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह से कोई अलावेंस, कोई मतलब बाहरी लोग जो है वो वहां पर आके नहीं रह सकते या एंटर नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। फिर आपने ऐसे बहुत सारे आंदोलन के बारे में सुना होगा, चिपको मूवमेंट के बारे में, है ना, चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली क्या था, तो बेसिकली ये 1970s की बात है, जब जो घरवाल रीजन था, बेसिकली उत्तराखंड में दो हिस्सों में बटा हुआ है, घरवाल और कुमाऊं रीजन। तो घरवाल जो रीजन था, वहां पर एक स्टोरी है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको टिम्बर चाहिए था, लकड़ी चाहिए था, तो वो फॉरेस्ट में जाते हैं और टिम्बर के लिए। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ के जो विलेजर्स थे, वो लोकल क्या
कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे और वो नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट को काटा जाए, पेड़ों को काटा जाए। तो कंट्रैक्टर्स अपने सारे मशीन हथियार लेकर आ गए थे जंगल को साफ करने के लिए। तो जितने भी विलेजर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो पेड़ों से चिपक जा रहे थे, इसी को कहते चिपको, पेड़ों से चिपक जा रहे थे। और जो कंट्रैक्टर थे उनको बता रहे थे कि अगर आपको फॉरेस्ट या पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमें काटनी। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ जिसमें लोगों की, इसमें जो आम विलेजर्स हैं उनकी मृत्यु भी हुई। फिर बाद में कंट्रैक्टर्स को समझ आ गया कि ये स्टेप जो है वो गलत है, हम लोग ऐसे जबरदस्ती फॉरेस्ट को नहीं काट सकते हैं। इसी को कहते हैं चिपको मूवमेंट। ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली मूवमेंट्स आपको हर बार दिखने मिलता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, अपीको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट भी सेम है, बस ये सदर्न स्टेट्स में, कर्नाटक में इसको ये हुआ था। तो अपीको का मतलब भी होता है चिपको इन हिंदी में, अपीको कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। इन द हिमालय सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन एंड शोड कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन, ठीक है, विद इंडिजिनस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये चिपको मूवमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी, तो तेहरी एक रीजन है, वही घरवाल रीजन में पड़ते हैं उत्तराखंड के। तो बीच बचाओ आंदोलन स्टार्ट किए थे वहां के फार्मर्स ने। इसमें आपने बहुत फेमस पर्सनालिटीज के नाम भी दो तीन याद रख लीजिए, जैसे कि सुंदर लाल बहुगुणा, फिर मेधा पाटकर, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से थी, सुंदरलाल बहुगुणा हिमालयन फॉरेस्ट में जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ में अमृता देवी विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई, ये सब जो है ये राजस्थान की थी, विश्नोई कम्युनिटी से थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जो फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर बीच बचाओ आंदोलन तेहरी में, फिर नवदन्या हैव शोन द डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स इज पॉसिबल एंड इकोनॉमिकल वायबल, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं आज के टर्म्स में, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग इसको हम लोग प्रमोट करते हैं ना। जैसे आपको सिक्किम, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब क्या हो रहा है, नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई भी केमिकल, सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं करते हैं, पूरी नेचुरल तरीके से हम लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग और एक चीज जान सकते हैं, जैसे कि जिसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि फॉरेस्ट को काट के क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर के लिए हम लोग लैंड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग दोनों ही एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री साथ बाई साथ एक ही लैंड में करें, जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, तो इसमें हम लोग अनाज उगा रहे हैं बीच में, और साइड साइड में अगर हम लोग बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट्री भी हो जाएगा और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर भी हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट था, बुक में नहीं दिया गया ये सब चीजें। फिर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में। ऑब्वियसली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM फर्निशेस अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी जो ट्राइबल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मड फॉर्मल एक्सिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ओडिशा जो है फर्स्ट स्टेट था जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रोमोट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड मैनेज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो लोकल कम्युनिटी जो विलेज होती है, जो आसपास के जो फॉरेस्ट के आसपास में जो विलेज होती है उसके साथ मिलकर काम करता है,
क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के आसपास जो ट्राइबल्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज है जिसको ग्रो करने से और ज्यादा फायदा होगा, फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी होगा, ठीक है? तो ये इनको काम करने मिलता है, और इनके बदले में इसको इनको क्या मिलता है? इन रिटर्न मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कुछ फूल हो गया, फल हो गए, या फिर जड़ी बूटियां हो गए जो मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, वो सब, और कुछ जिसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सब, वो इनको कलेक्ट करने के लिए अधिकार मिल जाता है, और अपने जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनको वो ग्रेस करने भी उनको स्पेस मिल जाता है, ठीक है? एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाई सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ में टिम्बर में भी शेयर कुछ मिल जाता है अगर वो ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रीफ नोट ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, व्हाई वी नीड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब ऐसे टाइप का क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछा जाता है। फिर दूसरा क्या था? सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है? तो सैक्रेड मतलब क्या होता? पवित्र ग्रुप्स मतलब जहां पे पेड़ का झुंड जो बोला जाता है बेसिकली, तो पवित्र फॉरेस्ट कह सकते हैं इसे, ठीक है? सैक्रेड फॉरेस्ट आर ए फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल्स पीपल ऑफ द ग्रुप। तो बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं, ट्राइबल्स भी हैं, बहुत सारे जो आम इंसान जो है अपार्ट फ्रॉम आदिवासीज भी, बहुत लोग जो है वो पेड़ पौधों को एज अ भगवान देवी देवता मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। हर स्टेट में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर कुछ ऐसे जैसे कि हम लोग पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, तुलसी के पेड़ को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मान्यता है, अलग अलग मतलब पेड़ पौधों को या एनिमल्स को भी बहुत जगह हम लोग पूजते हैं, ठीक है? तो ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं, वो नेचर को वर्शिप करते हैं, फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, रिवर्स को, इन सबको वो बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, और ये उनको अपने पूर्वज मानते हैं क्योंकि इन्हीं से उनकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है, इन पे ही लाइफ जो है उनकी डिपेंडेंट रहती है। ट्राइब्स कंसिडर फॉरेस्ट एज गॉड एंड गॉडेसेस एंड प्रिजर्व देम इन देयर प्रिस्टीन फॉर्म, उनके ओरिजिनल फॉर्म में उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैड, ठीक है? तो सैक्रेड ग्रुप्स में है, किसी तरह से आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी एंटर करने के लिए, आप बाहरी जो लोग हैं उनको किसी तरह से परमिशन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाए तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। जो ट्राइबल्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन मामलों में, वो अलाउ नहीं करते इजीली किसी भी बाहरी लोगों को, ठीक है? तो ये मोस्टली मोस्टली कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है, सदर्न स्टेट्स में भी होता है, अंडमान निकोबार रीजन में भी होता है, ठीक है? सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री दैट दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम द टाइम इमोरियल, जैसे द मुंडास, मुंडास एक ट्राइबल ट्राइब्स है ना, मुंडा ट्राइब्स, संथल ट्राइब्स एंड द संथल ट्राइब्स, जिसे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी बिलोंग करते, संथली है, ऑफ द छोटा नागपुर रीजन वर्सिफ, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? महुआ पेड़ की पूजा करते हैं, साथ ही साथ कदम्बा पेड़ की भी ये लोग पूजा करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडाज एंड संथल्स। फिर द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा बिहार वर्शिप द टैमरिन एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स, तो इमली का पेड़, मैंगो के पेड़, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदू धर्म में भी पूजा पाठ में हम लोग आम के पेड़, आम के जो पत्ते होते हैं उनका यूज होता है, केलों का पत्तों का होता है, तुलसी पत्तों का, नीम के पत्तों का, नीम पेड़ का भी होता है, पीपल, बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। तो बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हैं जिनको हम लोग सैक्रेड भगवान मानते हैं। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स ही हैं, एनिमल्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल स्पीसीज हैं जिनको हम लोग पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, गाय होती है, गाय को हम लोग एज ए मदर ट्रीट करते हैं। फिर अलग अलग भगवान के अलग अलग वाहक होते हैं, जैसे गणेश जी के होते हैं मूषक होता है, ठीक है, हंस होता है,
टाइगर होता है, शेर होता है, तो ये सब जो होता है वो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग पूछते हैं। साथ ही साथ में स्नेक जो शिव जी के गले में है, उनकी भी हम लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे नॉन लिविंग भी हो, जैसे स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स, रिवर्स हो गए, हम लोग क्या करते हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। सूर्य भगवान की भी हम लोग हिंदू धर्म में ही नहीं, बहुत अलग अलग वर्ल्ड रिलीजन है जो सन गॉड की भी पूजा करते हैं। तो ये क्या, इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने ह्यूमन सेंट्रिक ना रहकर हम लोग बायो सेंट्रिक रहना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में, ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं, ह्यूमन को हम लोग सेंटर पोजिशन में रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग को ह्यूमन के साथ साथ अदर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उस पर भी हम लोग को बहुत ज्यादा एम्फोसिस देने की जरूरत है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ इंपॉर्टेंस है और वो कुछ ना कुछ रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता ही करता है। ठीक है, तो अगर इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है तो हम सबको ही मिलकर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर कुछ समझ आया ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अच्छा लगा हो या कैसा भी लगा हो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बिल्कुल कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।